ऑल इंडिया पीस कमीशन ने आज जलंधर में एक विशेष बैठक की। बैठक का मुख्य मुद्दा धर्म का राजनीतिकरण था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब प्रदेश प्रधान हिम्मत सिंह ने कहा कि आज देश में राजनीति धर्म के मामले में दखल दे रही है, जिससे हर तरफ अशांति का माहौल है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ चुनावों के दिन ही लोगों से मुखातिब होती है, चुनावों के बाद तो सरकार सुतेली माँ जैसा व्यवहार करती है। उन्होंने कहा कि आज समाज में दलित वर्ग पिस रहा है, जिसके लिए राजनीति ही जिम्मेदार है, जिसके विरोध में ऑल इंडिया पीस कमीशन ने सारी ताकत लोगों के हाथ में देने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने इस अभियान में सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। दया सिंह ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रधान, मेरे नाल सरदार हिम्मत सिंह जी प्रधान ने पंजाब शाखा दे, आज असी इस विचार नाल आए कि जिहड़ा राम मंदिर का इशू जिहड़ा अयोध्या विच स्थापित करने की जतन किया जा रहा है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं होएगा, कि राम मंदिर के नाँ के उत्ते तुसी राजशाही नूं स्थापित नहीं करोगे। ये सब तो वड्डा सवाल है। जो राम साडे मना विच स्थापित है उसनों किसी मंदिर की लोड़ नहीं, पर जिस राम की बात तुसी कह रहे हो वो अयोध्या नरेश है, तो वह राजशाही का प्रतीक है। असी इस गल का विरोध करते हैं। असी कहने हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये सूमोटो लेना चाहिए, तो ऐसे मुकदमे सुनने लायक नहीं होंगे, इन्हों वापस कर देना चाहिए, ताकि ये रस्ता अगर अज ब्रेकडाउन होया तो ये रस्ता कई कारण जोड़े ने वो पैदा करेगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को असी अपील करते हैं कि वह स्पष्ट करन कि वह किहड़े राम नाल खड़े ने, वो जिहड़ा जन जन समाहित राम है कि अयोध्या नरेश राम है, उन्होंने ये स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि अडवाणी की यात्रा विच अकाली दल ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। इहदा मतलब यह है कि वह शायद उस रामचंद्र के प्रति समर्पित ने। यह वो गल उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तख्त साहिबान को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि कल तो सिक्खी को यह भुलेखा ना पाया जाए कि सिक्खी उस थान पर खड़ी।